Now today, let's start with chapter number one, the modern period. In this chapter, we will study about the modern period. देखो जो changes occur हुआ है from over a time, आप देखते हैं वो क्या है, एक essence of history है. By studying history, we try to know things in the past and how they change over the year. History पढ़ के हम क्या करते हैं, past की चीजों को जानते हैं, ठीक है, और ये देखते हैं कि क्या क्या changes over the year हुए हैं. For example, reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people go to hear about the things before newspaper began to print. देखो आप तो क्या करते हैं, हम newspaper read करते हैं और बहुत curious होते हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ था, सब पढ़ने का. लेकिन पहले की आप सोचें कि लोग पहले कैसे इस न्यूज को पढ़ते थे. यू मे हैव सर्सन वेन वर रेलवे बिल्ड एंड हाउ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवे, और कैसे जो लोग हैं वो ट्रैवल करते थे लॉन्ग डिस्टेंस. Now periods in history. History being a continuous flow of event cannot be divided into watertight compartment. ठीक है, इसलिए हमने उसको तीन parts में divide करा है, ancient, medieval and modern. ठीक है, किसमें divide करा है, ancient, medieval and modern. ये broad division mark करता है कि society कैसी थी हमारी, कैसी हमारी economy थी, कैसा हमारा culture था और कैसी हमारी politics थी. ठीक है, now proceeding or succeeding period. How do we periodize? हम कैसे पीरियड को डिवाइड करते हैं. व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड. वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू पीरियड ऑन बेसिस ऑफ समथिंग दैट हैव प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द वे वी लिव. इसका क्या है, एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ हिस्टोरियंस हैं से दैट चेंज फ्रॉम द एंशिएंट टू मेडिवल पीरियड अकर्ड विद द अराइवल ऑफ टर्क्स. जो चेंज हुआ है मेडिवल से मॉडर्न में, वो किसकी वजह से हुआ है, कि जो टर्क्स आपके इंडिया में आए. सिमिलरली जो चेंजेस थे फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न, वो क्यों हुए हैं, दे अकर्ड विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश ऑन द सो. देखो, जो आपका एंशियंट से मेडिवल में चेंज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, टर्क्स की वजह से. और जो मेडिवल से मॉडर्न में हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे. नाउ मॉडर्न पीरियड, 18th सेंचुरी इज जनरली टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मॉडर्न पीरियड. अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है मॉडर्न पीरियड का. Some defining features of modern era are scientific progress, industrialization, colonization, urbanization. ठीक है, अब हम कुछ मॉडर्न एरा की बात करते हैं, जो किससे रिलेटेड है, साइंटिफिक प्रोग्रेस से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, कॉलोनाइजेशन से और अर्बनाइजेशन से, एंड लास्टली विद द ग्रोथ ऑफ सिटीज. दीज चेंजेस टेंस वर फर्स्ट विजिबल इन यूरोप इन 16. ये जो चेंजेस हैं ये आपको कब विजिबल हुए थे, यूरोप में विजिबल हुए थे 16th सेंचुरी. ठीक है, In India, the modern period began in the 18th century after 1701 and last great Mughal emperor Aurangzeb breaks the law. And last Mughal emperor कौन थे आपके, वो थे आपके औरंगजेब. Next is sources. अब आपको जो sources हैं आपके modern period के, उसको हमने दो parts में divide करा है, वो categorize करा है दो parts में. Primary sources. इसमें आपके books, painting, government reports, literary and other artistic evidence मिलते हैं. ठीक है, जो मॉन्यूमेंट्स और आर्कोलॉजिक रिमेन्स हैं, दे आर द गुड एविडेंस इन दिस पीरियड. ये सबसे अच्छे आपको एविडेंस मिलेंगे इस पीरियड के. नेक्स्ट है सेकेंडरी सोर्सेज, इसमें बहुत बुक्स ऑफ हिस्टोरियंस विच आर बेस्ड ऑन स्टडी एंड प्राइमरी सोर्स. इनको हमने आर्टिकल्स के फॉर्म में, रिपोर्ट्स के फॉर्म में, सर्वे के फॉर्म में बताया. अब हम बात करेंगे टाइम इन हिस्ट्री. देखो, हिस्ट्री को हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिवाइड करा हुआ है, कि कब, फोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे माइंड में जो आता है, कि व्हाट हैपन, कब हुआ, व्हेन डिड इट हैपन, Where did it, कहाँ हुआ, and lastly how, वो कैसे हुआ. Now, be sure of the first, it cannot be a precise answer to the question. To put an exact date to process in history, we would be daft that every nature of the subject. अगर हम बात करें timeline of the modern period, 1707 में क्या हुआ था, औरंगजेब की डेथ हो जाती है. ठीक है, और एसेशन होता है बहादुर शाह का. फिर 1708 में क्या होता है, एसेशन होता है साहू का एंड किंग, जो किंग ऑफ मराठा, और डेथ होती है गुरु गोविंद सिंह. ठीक है, क्या होता है, सेशन होता है शाहू खान किंग ऑफ मराठा से, और डेथ हो जाती है गुरु गोविंद सिंह की. उसके बाद 1739 में जो नादिर शाह है ईरान के, ठीक है, द नादिर शाह ऑफ ईरान, वो इंडिया में आके इन्वेट करे, उन्होंने डिफीट करा फोर्सेज ऑफ मुगल एम्परर मोहम्मद शाह. 1748 में, अगर हम बात करें 1748 में पहला एंग्लो फ्रेंच वॉर होता है. ठीक है, 1706 में जो गवर्नर थे फ्रेंच कंपनी इन इंडिया के, वॉज डिफीटेड. किसने डिफीट करा था, सर कोपे, ही वॉज द कमांडर ऑफ इंग्लिश फोर्सेस. कौन था, सर कोपे कमांडर था. और ड्रीम क्या था फ्रेंच का, कि वो अपना रूल स्टैब्लिश करे इंडिया में, और वो फाइनली शैटर्ड भी हुआ.
फिर 1706 में क्या हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, अहमद शाह ने क्या करा, मराठा को डिफीट कर दिया, ठीक है। और इससे क्या हुआ, हैदर अली का राइज हुआ, कब हुआ, 1761, क्या हुआ, बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1706 में, जो फेमस बैटल ऑफ बक्सर हुआ, कंपनी रूल वॉज कंसॉलिडेटेड, कंपनी का जो रूल है वो बंगाल पे क्या हुआ, कंसॉलिडेट हुआ। 1765 में डेथ ऑफ मीर जाफर, ग्रांट ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल बिहार और उड़ीसा। देखो 17 जो आपका 65 है, 64 में तो आप देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें क्या हुआ कि जो कंपनी रूल था उसको कंसोलिडेट कर दिया, कहाँ, बंगाल में। उसके बाद 1765 में मीर जाफर की डेथ हो जाती है, तो जो ग्रांट होता है दीवानी का वो बंगाल बिहार उड़ीसा को कौन देता है, होगा ब्रिटिश को दिया जाता है। फिर 1767 से 69 पहला एंग्लो मैसूर वॉर, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को अपॉइंट करा गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसने क्या करा, ब्रिटिश की जो पोजीशन है उसको कंसोलिडेट कर। 1775 से 82 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है, जो सेकंड मैसूर वॉर है, पहला का होता है मैसूर वॉर 1767 से 69 तक, सेकेंड मैसूर वॉर होता है 1780 से 84 तक। इसमें इंग्लिश ने क्या करा, हैदर अली को डिफीट करा। उसके बाद 1782 में डेथ हो जाती हैदर अली की, ठीक है। 79 से 92 में थर्ड मैसूर वॉर होता है इंग्लिश और टिप्पू सुल्तान के बीच में, और फिर जब इनके जो वॉर के बाद इनका समझौता हो जाता है जिस ट्रीटी से, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगम पटना। फिर 1798 में आपके लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं, जिन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। इन्होंने क्या करा, जो ब्रिटिश का डोमिनियन था उसको एक्सटेंड कर दिया। फिर 1799 में फोर्थ मैसूर वॉर हुआ, जिसमें इंग्लिश ने क्या करा, टेपू को डिफीट करा, पार्टीशन हुआ मैसूर का, और उसके बाद जो डेथ हो जाती है टिप्पू सुल्तान की 1799। 1817 से 1890 में लास्ट आपका एंग्लो मराठा वॉर होता है। 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो उन्होंने करा पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करा, और जो फाइनेंशियल कंडीशन है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की उसको भी इम्प्रूव कर। इन्होंने क्या करा, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करा इंडिया में। फिर हम बात करते हैं 1839 में, 1839 में जो डेथ हो जाती है महाराजा रणजीत सिंह की। उसके बाद 1848 में जो लॉर्ड डलहौजी है उन्होंने वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आते हैं, और वो बंगाल, पंजाब, बिरार और अवध को क्या कर लेते हैं, एनेक्स कर लेते हैं। फिर 1848 से 49 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है। फिर 1853 में पहली रेलवे लाइन जो होती है बॉम्बे टू थाने बनाई जाती है, ओपन करी जाती है, और फिर टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता टू आगरा वो भी इस्टेब्लिश करी जाती है, ठीक है, कलकत्ता, और अब उसको क्या कहा जाता है, कोलकाता। फिर 1856 से 1862 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस होता है, और उसने क्या करा, सप्रेस करा 1858 को, और जो आपके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो पहले वाइसराय अंडर द क्राउन कौन बने आपके, 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की थी उन्होंने फाइट करा, मतलब फाइट करते करते उनकी डेथ हो जाती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया। और 1865 में क्या हुआ, बर्थ हुआ 69 में महात्मा गांधी का, और कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869। फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड करा गया, और किसने करा, AOU ने, और पहला सेशन कहाँ होता है, मुंबई में होता है, और इस टाइम पे 1885 पे थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर भी होता है। फिर हम बात करेंगे 1905 में फर्स्ट पार्टीशन हुआ बंगाल का, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो था वो क्या बना, ईस्ट बंगाल, ठीक है, और उसको एक सेपरेट प्रोविजन बना गया। फिर 1906 में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुआ, और 1911 में क्या हुआ, जो कैपिटल थी इंडिया की उसको ट्रांसफर करा गया, पहले कोलकाता थी उसको किस में ट्रांसफर कर दिया गया, दिल्ली। देन 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 पास करा गया, और ये पहला स्टेप था क्या एस्टैब्लिश करने में, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, ये जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1990 पहला स्टेप था जिसमें हमने क्या, कैसी गवर्नमेंट बनाई, रिस्पॉन्सिबल। नाउ 1929 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वॉज पास, और ये कहाँ पास करा गया था, पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन में, और कब करा गया था, 1929। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास करा,
और 1939 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, और 1941 में डेथ हो जाती है रविंद्रनाथ टैगोर की, और नेताजी एस्केप फ्रॉम जेल, फ्रॉम कलकत्ता जेल। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने, और 1948 में क्या हुआ, गांधी जी वॉज एसिनेटेड, एंड 1950 में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फोर्स में आया। ठीक है, नाउ वॉज द मॉडर्न पीरियड रियली मॉडर्न। अब ये बात कह जा रही कि जो मॉडर्न पीरियड था क्या वो वाकई में ही मॉडर्न था, तो डू यू एक्सेप्ट द वर्ल्ड मॉडर्न एंड एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया, कैन इंडिया बी कॉल्ड मॉडर्न इन ट्रू सेंस, क्या आप इंडिया को मॉडर्न कह सकते हो ट्रू सेंस में, हम इसकी बात करेंगे। वी हैव रीड द ब्रिटिश ट्रीटेड इंडिया एज अ कॉलोनी, दे टुक अवे रॉ मटेरियल, इंडिया को ब्रिटिश ने एज अ कॉलोनी ट्रीट करा, उन्होंने क्या करा, यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले गए और उन्हें वहां देखकर उन्होंने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, ब्रिटिश रूल कैन हैंडल बी डिस्क्राइब्ड एज मॉडर्न, इट वॉज कॉलोनियल, इंडियन हिस्टोरियन कॉल दिस एज द कॉलोनियल पीरियड, इसको क्या होता है, कॉलोनियल पीरियड होता है। अगर हम कॉलोनियल की बात करते हैं, नाउ देखो ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल, और उन्होंने क्या करा, जो नवाब जो राजा थे उनको सब्जुगेट करा, एंड दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इन्होंने कंट्रोल एस्टैब्लिश करा कब अपने इकोनॉमी पे और सोसाइटी पे, और रेवेन्यू कलेक्ट करा एक्सपेंसेस को मीट करने में, और गुड को कम प्राइस में लेकर आए, इन्होंने क्रॉप रिड्यूस करा, दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, इन्होंने चेंजेस लेके आए, ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट वैल्यूज एंड टेस्ट, लोगों की कस्टम्स प्रैक्टिस, उनको कहा कि आप ये चीजें फॉलो करो। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल, इसमें इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिकल चेंजेस भी आए, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस भी आए, सोसाइटल चेंजेस भी आए, एंड वी रेफर टू दिस प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कॉलोनाइजेशन। हाउ डू वी नो अबाउट हिस्ट्री, जो अर्लियस्ट सिस्टम है राइटिंग का वो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट था, जहाँ से हमने डिसेंडेंट जो होते थे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के, सुमेरियन कंप्राइजिंग वेज शेप मार्क्स ऑन के टैबलेट्स हम बताते हैं। कुछ पिक्टोरियल स्क्रिप्ट जो है दे आर स्टिल अनडिस्पर्ड, आफ्टर द डेवलप्ड राइटिंग सिस्टम मेन जो है दे बिगेन टू रिकॉर्ड द थॉट्स, उन्होंने अपने थॉट्स को अपने इंप्रेशंस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर। ठीक है, नाउ किस पे करा, बार्क ऑफ ट्री पे, लीव्स पे, या फिर एनिमल्स की स्किन पे। आफ्टरवर्ड जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शन फाउंड इनग्रेव ऑन पिलर्स, आप उसके बाद आप देखते हैं हमें बहुत सारे पिलर्स या आपको कुछ एपिग्राफिक एविडेंस मिलते हैं, मतलब जैसे आप स्टोन्स पे देखेंगे, कुछ गुड एग्जाम्पल है। और जो अशोक रॉक एडिक्स और पिलर है समुद्रगुप्त का, वो सबसे गुड एग्जाम्पल है जो हमें देखने को मिलता है अबाउट दीज एंशिएंट इंस्क्रिप्शन। नाउ जो एरा ऑफ लिटरेचर है एज वी नो बिगिन विद द इन्वेंशन ऑफ पेपर, जो एरा ऑफ लिटरेचर है वो इन्वेंशन ऑफ पेपर से स्टार्ट होता है 1480 में। बहुत सारे सेंचुरी पास हो गई एंड बिफोर इट बिकम अवेलेबल इन सब कॉन्टिनेंट, कंटेम्प्ररी राइटर्स देयरफॉर हैड टू मैनेज विद ट्रेडिशनल मटेरियल। ठीक है, उन्होंने क्या करा, जो ट्रेडिशनल मटेरियल से बाक हो गया, लीड्स हो गई, और जो पोर्शन है ऐसे ओल्ड मैनुस्क्रिप्ट जो हमें पास से देखने को मिलती है उनको भी मैनेज करा, जिससे हम क्या कर सके, मॉडर्न टाइम्स में सर्वाइव कर सके। ठीक है, नाउ वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडिजीनियस और ट्रैवल अकाउंट। देखो कुछ इंडिजीनियस सोर्सेस थे और कुछ ट्रैवलर अकाउंट थे। ठीक है, जैसे फायान आए, ठीक है, तो आप, मैं इसको बताऊंगी आपको, कुछ विजिटर जो आए थे। नाउ इंडिजीनियस सोर्सेज, इसमें आपके वेदांत, उपनिषद, एपिक्स, रामायण और महाभारत, पुराण, बुद्धिस्ट और कुछ जैन लिटरेचर भी है, ये दोनों भी क्या है, गुड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं एंशियंट पीरियड के बारे में। लेकिन ट्रैवलर अकाउंट की हम बात करें, लूप सोर्स है इंडिजीनियस लिटरेचर। ठीक है, देखो कुछ अकाउंट्स जो थे वो आपके फॉरवर्ड छोड़ गए, जैसे कुछ पिलग्रिम्स, ट्रैवल्स, मर्चेंट, एम्बेसडर्स आए थे, जैसे मेगास्थनीज, ही वॉज अ ग्रेट एम्बेसडर और द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त, इन्होंने कुछ गुड डिस्क्रिप्शन छोड़े हैं, कंडीशन बताई है इन हिज वर्क इंडिका। किसने बताया कि इंडिया की कंडीशन कैसी थी, उन्होंने उनका एक काम था, इस वर्क था इंडिका। फिर उसके बाद एक चाइनीज ट्रैवलर आते हैं जिनका नाम है फायान, ये भी कुछ अकाउंट्स छोड़ के जाते हैं सेंट्रल एशिया, इंडिया और श्रीलंका के बारे में। फिर हुआन स्वैंग आते हैं, ये भी चाइनीज पिलग्रिम थे, ये अपने को हर्षवर्धन के रूल के बारे में बताते हैं, गुप्ता के रूल। ठीक है, पूछ सकता है आपसे कि हर्षवर्धन और गुप्ता के रूल के बारे में कौन बताते हैं, आपके हुआन स्वैंग। ठीक है,
जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ दिस पीरियड वॉज स्टिल कंसिडर एज लाइक एग्जाम्पल मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं गुड डील बताते हैं आपको पास्ट के बारे में और आपको एक क्लियर पिक्चर देते हैं हिस्टोरिकल पीरियड के. और मुगल एम्परर जो हुमायूं थे उनकी जो सिस्टर थी गुल बेदम बेगम कौन थी गुल बदन बेगम हुमायूं नामा गिव्स अस द फर्स्ट हैंड अकाउंट्स ऑफ पर्शियन हुमायूं. तो इन्होंने एक हुमायूं नामा लिखा था जो आपको पर्शियन रूल के बारे में बताता है. नाउ हाउ डू एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड, अब आपको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रिकॉर्ड प्रोड्यूस करता है. वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. सो एवरी इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी डिसीजन एवरी एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशन टू बी क्लियरली रिटन. ठीक है, द ब्रिटिश फेल दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व. और ब्रिटिश ये भी चाहते हैं कि जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं लेटर्स हैं हमें इनको केयरफुली क्या करना है प्रिजर्व करना है. सो दे सेट अप अ रिकॉर्ड रूम अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन. इन्होंने एक रिकॉर्ड रूम को बनाना अटैच करना स्टार्ट करा हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के. नाउ इन अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटिफुली रिटर्न. इनको केयरफुली कॉपी करा दे वर ब्यूटिफुल रिटर्न इन बाय द कैलीग्राफिस्ट दैट इज वाई हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल राइट. वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं दे टेल्स अस द वॉट द ऑफिशियल थॉट एंड वट दे वर इंटरेस्टेड इन. और वो क्या चाहते थे, वो कैसे अपनी प्रोस्पैरिटी को प्रिजर्व करना चाहते थे. दीज रिकॉर्ड वॉट ऑलवेज हेल्प इन अंडरस्टैंड, इस रिकॉर्ड से आप ये नहीं समझ सकते कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं. ठीक है, सो वेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड अ प्लेंटी. फॉर दिस वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिमेज और ट्रैवलर्स, कुछ ऑटोबायोग्राफीज हैं, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की पॉपुलर बुकलेट्स हैं जिनको हम क्या करते हैं सोल्ड करते हैं लोकल बाजार्स में. ठीक है, आप उनको रीड करते हो तो आपको पता चलता है कि वो किसके बारे. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. हमने एक रिव्यू करा आपके मॉडर्न पीरियड का, एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक आपका कैसे 1707 जैसे औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद लास्टली कैसे आपको इंडिपेंडेंस मिल जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, वहां तक हमने पढ़ा. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.